नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तीसरी लहर, कयामत का डर। आज देश के सामने सबसे बड़ा खतरा है, कोरोना है, और इस खतरे को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी लहर की तैयारी को लेकर सरकार से सवाल पूछे हैं। वैसे सरकार तो अपनी तैयारी करेगी, लेकिन क्या आप यानी हर हिंदुस्तानी कोविड की तीसरी लहर का सामना करने के लिए सतर्क है? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जो सवाल पूछा है, वो जी मीडिया आपसे सवाल पूछना चाहता है कि बतौर जिम्मेदार नागरिक क्या आप तीसरी लहर का सामना करने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा जरूर। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। किसी हाल में तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता है, और यह भी चेतावनी दी है कि अगर यह तीसरी लहर कब आएगी, कितनी खतरनाक होगी, कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कोरोना का वायरस हर बार अपना रूप बदल रहा है, ज्यादा घातक होता जा रहा है, ज्यादा संक्रामक होता जा रहा है, और इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, यानी मास्क और दो गज दूरी की सावधानी। देश के हर राज्य को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। वो महामारी का पहला साल था, वो हिंदुस्तान का कोरोना काल था। सड़कें सूनी नजर आती थी, लोग सहमे नजर आते थे। नई बीमारी थी, अनजाना डर था, इलाज पता नहीं था, वैक्सीन नहीं थी, पूरी पाबंदी थी, भारत बंद था। फिर भी कोरोना ने पहली लहर में 157,157 लोगों की जान ले ली। 12 महीने की महामारी झेलकर हिंदुस्तान ने दोबारा सांसें लेना शुरू किया था। रोजी रोजगार खुलने लगे थे, काम धंधा शुरू होने लगा था, देश अनलॉक होने लगा था, तभी कोरोना ने दूसरी दस्तक दी। ये महामारी का दूसरा साल आया, चारों ओर त्राहिमाम मच गया, सांसें सिलेंडर पर निर्भर हो गई, अस्पताल, दवा, इलाज, डॉक्टर सारे कम पड़ गए, जिंदगियां मौत की नजर होने लगी, शमशानों में जगह नहीं मिल रही। कोरोना ने दूसरी लहर में 73,000 से ज्यादा लोगों की जान ली, और कोरोना की दूसरी लहर में मौत का ये सिलसिला अभी जारी है। फर्क बस इतना है कि पहली लहर में 12 महीने के अंदर जहां 157,000 लोग कोरोना के शिकार हुए, वहीं दूसरी लहर के 2 महीने के अंदर ही 73,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और ऐसे में जब भारत की सरकार कहती है कि कोरोना की तीसरी लहर को कोई रोक नहीं सकता, तो हिंदुस्तानियों का हौसला जवाब देने लगता है। A phase 3 is inevitable. सरकार का ये ऐलान सुनकर दहशत पैदा होती है, क्योंकि जब कोरोना की दूसरी लहर में देश का ये हाल है, तो तीसरी लहर में क्या होगा? Where does SARS coronavirus 2 go from here? A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. तीसरी लहर क्यों? सरकार के वैज्ञानिक कहते हैं कि कोरोना का वायरस रोज बदल रहा है, वो ज्यादा संक्रामक हो रहा है, ज्यादा घातक हो रहा है, और महामारी फैलने के लिए नए मौके और हालात की तलाश कर रहा है। So the changes in the biology which we have seen, along with the increased transmission, suggests a new approach. Earlier, there was an approach of the virus where it infected people, largely asymptomatic, many symptomatic, and had a certain profile of progression. Now it is adopted because of fewer people available, a hit-and-run lifestyle. And this is what has happened with the new variants coming. तीसरी लहर घातक क्यों? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पहली लहर के वक्त भारत में सख्त लॉकडाउन रहा, इसके कारण बड़ी आबादी कोरोना से बची रही। जिन लोगों को कोरोना हुआ, उनमें एंटीबॉडी बन गई। इसके अलावा वैक्सीनेशन शुरू होने से भी एंटीबॉडी वाली आबादी तेजी से बढ़ी। ऐसे में वायरस की संरचना में बदलाव होने लगे, वायरस के नए नए म्यूटेंट और स्ट्रेन तैयार हुए, और ये पुराने वायरस से ज्यादा खतरनाक थे।
यही वजह थी कि दूसरी लहर में पहली लहर के मुकाबले हालात तेजी से बिगड़े, संक्रमण की रफ्तार बढ़ी, मरीजों के लक्षण और संक्रमण की गंभीरता बढ़ी, ज्यादातर मरीजों में ऑक्सीजन की दरकार सामने आई और वायरस के इन्हीं बदलते रूप को देखकर सरकार कहती है कि तीसरी लहर कब होगी और कैसी होगी कहना मुश्किल है। तीसरी लहर कभी भी संभव। Now in early 2021, something changed rather importantly. A very large number of people all over the world had been infected. Now, as I said, as immunity increases, the virus doesn't have opportunity to go. But it sees that there are pockets it can go through. वैज्ञानिक कहते हैं कि पहली बार का वायरस मास्टर चाबी की तरह था जो हर इंसान को मामूली संक्रमण दे रहा था। दूसरी लहर का वायरस स्पेशलाइज्ड हो चुका है और वो ज्यादा सधेवार कर रहा है, इसलिए वैक्सीन्स भी तीसरी लहर की रफ्तार को रोक पाएंगी ये कहना आसान नहीं है। वायरस के वेरिएंट्स बढ़ेंगे। वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट द करंट वेरिएंट्स। न्यू वेरिएंट्स विल अराइज ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन इंडिया टू। While variants which increase transmission will likely plateau, immune evasive variants and those which lower or increase disease severity will arise going ahead. और जब कोविड का वायरस अपने नए वेरिएंट के साथ हमला करेगा तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो कितनी तेजी से फैलेगा और कितना घातक होगा, वो कितना वैक्सीन प्रूफ होगा या कितना कंट्रोल किया जा सकेगा। इसलिए सरकार कहती है कि कोरोना के मूलभूत नियम मास्क और दो गज की दूरी ही हर तरह की कोविड मुश्किलों से बचने का उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात करेंगे बच्चों को बचाने का क्या प्लान। दरअसल अभी तो हम और आप ही इस चुनौती से जूझ रहे हैं, लेकिन अब इसका खतरा हमारे और आपके बच्चों पर भी मंडराने लगा है। उसका क्या प्लान है? मतलब तीसरी लहर तो तय है, आएगी ही, लेकिन खतरा क्या है? खतरा बच्चों को है। जी हाँ, इस बार जो कोरोना की लहर आने वाली है, जिसका कोई वक्त नहीं है, वो कभी भी आ सकती है। वो कोरोना जब फैलेगा तो उसके निशाने पर देश का बचपन होगा। आप समझ रहे हैं ना, ये कितना विनाशक हो सकता है। देश के सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा ही लगता है। जब सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन के मसले पर सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट ने सरकार से पूछ ही लिया कि तीसरी लहर की क्या तैयारी है, बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए सोचा जा रहा है या नहीं, क्योंकि जैसी की चेतावनी है, अगर भारत में तेजी से वैक्सीनेशन नहीं हुई और बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आई तो तीसरी लहर तबाही ला सकती है। कोरोना की पहली लहर, देश में बुजुर्गों की सबसे ज्यादा मौत हुई। कोरोना की दूसरी लहर, देश में नौजवान कोविड की चपेट में जान गंवाने लगे। कोरोना की तीसरी लहर, क्या देश का बचपन लूट लेगा कोरोना? ये दहशत अभी से देश में है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर वाली ये तस्वीरें शायद आपने देखी होंगी। पत्थर का कलेजा भी पानी पानी हो जाता है जब कोई बच्चा अपने माता पिता की गोद में दम तोड़ देता है। तब सिर्फ सपने नहीं मरते, पूरा परिवार मर जाता है, जीवन का मकसद खत्म होता दिखता है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक की ये चंद तस्वीरें जब आप बर्दाश्त नहीं कर पाते तो सोचिए, अगर कोरोना की तीसरी लहर में नौ निहालों की जान जाने लगी तो ये देश कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? तीसरी लहर में बच्चे कैसे बचेंगे? कोरोना की तीसरी लहर में होने वाले खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, पहले वो देखिए। ऑक्सीजन की सप्लाई के केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चिंता की बात है कि तीसरी लहर की बात वैज्ञानिक कर रहे हैं, उसमें बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है। टीकाकरण अभियान में बच्चों के लिए सोचा जाना चाहिए। तीसरी लहर में बच्चों को होने वाले खतरे की आशंका अगर सुप्रीम कोर्ट जताता है तो उसके पीछे वैज्ञानिकों का बयान तो है ही, कुछ आंकड़े भी हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि 2020 में
पूरे एक साल में 10 साल से छोटे 0.27% बच्चे कोरोना के शिकार होकर जान गंवा चुके थे, जबकि 2021 के चंद महीनों के अंदर 10 साल से छोटे 0.34% बच्चे कोरोना के शिकार हो चुके हैं। ये बताता है कि कोरोना वायरस के बदलते रूप वाला कातिल हाथ हर गुजरते वक्त के साथ बच्चों की ओर बढ़ता जा रहा है, और इसमें 10 साल से बड़े और 20 साल से छोटे बच्चों की बात की जाए तो 2020 के पूरे एक साल में 10 से 20 साल के उम्र वाले 0.53% बच्चे कोरोना के शिकार हुए थे, जबकि 2021 में चंद महीनों के अंदर 10 से 20 साल के उम्र वाले 0.31% बच्चे कोरोना के शिकार हो चुके हैं। इन आंकड़ों से तय होता है कि कोरोना अब बच्चों की ओर बढ़ रहा है। बच्चों में ज्यादा इस बार देखा गया है लक्षण कोविड के, और सीवियरिटी भी ज्यादा है। तो बच्चों के जो माँ बाप हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत ईजिली फैलती है ये बीमारी, तो अब ये भी हो सकता है कि घर में कोई बड़ा संक्रमित हुआ हो, उसकी वजह से बच्चों में आया हो, पर बच्चों की क्योंकि इम्यूनिटी और इसकी वजह से उनमें ज़्यादा ये हमें सिम्टम्स ज़्यादा दिख रहे हों। लेकिन सवाल है कि आगे क्या करना होगा। विशेषज्ञों की राय के मुताबिक भारत के पास दो ऑप्शन है। एक तो 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए ताकि वायरस के म्यूटेशन और संक्रमण का खतरा कम हो सके। दूसरा, 18 साल से छोटे बच्चों के लिए फौरन वैक्सीन मुहैया कराई जाए। अब आप खुद देख लीजिए कि देश में 18 साल से ऊपर की आबादी के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चालू हो चुका है, लेकिन हालात क्या है। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों की तस्वीर देखिए। कहीं वैक्सीन है तो भीड़ अपरंपार, कहीं भीड़ है तो वैक्सीन नहीं, और सब कुछ है तो प्रबंधन ऐसा कि पुलिस को लाठी भांजनी पड़ती है। मतलब देश में वैक्सीनेशन कुछ इसी तरह अफरा तफरी में चल रहा है, और इस रफ्तार से अगर वैक्सीनेशन हुआ तो महीनों छोड़िए कई साल गुजर जाएंगे पूरे भारत को वैक्सीनेट करने में। बच्चों को बचाने का दूसरा उपाय उनका वैक्सीनेशन है, जिसके बारे में अभी तक भारत में कोई तैयारी नहीं है। हालांकि भारत में वैक्सीन निर्माता कंपनियां बच्चों के लिए वैक्सीन बना रही हैं, लेकिन अभी वो इस्तेमाल के लायक नहीं है। तीसरी लहर में वायरस म्यूटेशन की वजह से ज्यादा संक्रामक और प्रभावशाली होगा, इसलिए बच्चों को भी इससे बहुत ज्यादा खतरा होगा। क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस भी बंद है तो बच्चों के बाहर आने जाने पर बिल्कुल रोक लगानी चाहिए। भारत में बच्चों की वैक्सीन का स्टेटस ऐसा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस साल के अक्टूबर तक वैक्सीन लाने का दावा कर रहा है। भारत बायोटेक भी बच्चों के लिए वैक्सीन बना रहा है जो अभी ट्रायल फेज में है। हालांकि फाइजर की 12 साल से ऊपर के बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन को कनाडा में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है, लेकिन भारत में हकीकत यह है कि ये अक्टूबर से पहले छोटे बच्चों की वैक्सीन आने की उम्मीद दिख नहीं रही, और जब वैक्सीन तैयार ही नहीं है तो सरकार ने वैक्सीनेशन का ब्लूप्रिंट भी जाहिर नहीं किया है। ऐसे में जो एक बात तय है वो आप समझ लीजिए कि बच्चों को बचाना है तो आपको खुद संयम और सावधानी बरतनी होगी। कोरोना से बचना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना संक्रमण के आने के बाद एक शब्द काफी चर्चा में रहा है, इम्यूनिटी। कोरोना काल में डॉक्टर यही बताते रहे हैं कि आपकी इम्यूनिटी जितनी मजबूत है कोरोना वायरस का सामना आप उतनी ही मजबूती के साथ कर सकते हैं। बीते एक साल से डॉक्टर और योग गुरु इम्यूनिटी मजबूत करने को लेकर तरह तरह की आपको सलाह भी दे रहे हैं, कैसी दवा लेनी चाहिए, कैसे योग करने चाहिए और आपको खान पान कैसा होना चाहिए। डॉक्टरों ने इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए विटामिन सी युक्त सब्जी और फल खाने की सलाह दी है। अब जब से कोरोना की दूसरी लहर आई है तब से लोग अपने खान पान को लेकर काफी सतर्क भी नजर आ रहे हैं। वो अब ऐसी सब्जी और फल ज्यादा खरीद रहे हैं जिसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा हो। मुनाफाखोरों ने भी मौके को भांपते हुए ऐसी सब्जियों और फलों के दाम बढ़ा दिए हैं, यानी दवा ऑक्सीजन के बाद फलों में भी मुनाफाखोरी होने लगी है। कैसे, जरा देखिए रिपोर्ट। नींबू से लेकर नारियल पानी तक और आंवला से लेकर सेब, ये वो फल हैं जो विटामिन सी से भरपूर हैं। लेकिन इन दिनों हमारे देश में संक्रमण के मामले जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी से फलों के दाम बढ़ने लगे। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में विटामिन सी वाले फलों के दाम दोगुने से ज्यादा हो गए।
एक किलो नींबू पहले 100 से 120 रुपए में मिलता था, जो अब यानी कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद 200 रुपए किलो बिक रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। इसी तरह आंवला पहले 80 रुपए किलो मिलता था और अब एक किलो आंवले की कीमत 200 रुपए। नारियल पानी 30 से 40 रुपए में मिलता था, लेकिन अब आपको इसके लिए 80 से 100 रुपए देने होंगे। एक किलो संतरा लेने के लिए पहले 100 से 120 रुपए देने होते थे और अब 160 रुपए देने पड़ते हैं। एक किलो अनार पहले 100 रुपए और अब 150 से 160 रुपए में मिलता है। अब लोगों के सामने एक तरफ कोरोना का खतरा है और दूसरी तरफ महंगाई, ऐसे में लोग करें तो क्या करें? हर टाइम यही बता रहे हैं कि विटामिन सी की जरूरत है बॉडी को, तो इसलिए वो नींबू महंगा हो गया। मौसमी है, 100-120 रुपए किलो मिल रही है इस टाइम मार्केट में। नारियल पानी में तो आग ही लग गई जी, खट्टी चीजें ज्यादा यूज कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो है जी, अब क्या करें जी? एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, खरीदे तो मरे ना खरीदे तो मरे। अब सवाल है कि फलों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं और कौन बढ़ा रहा है? फल विक्रेताओं से इसका जवाब सुन। रेट तो बढ़े हैं बाबू जी, जब है ही ना अंदर बाहर से तो फिर रेट तो बढ़ गए। कितना संतरा कितने का बेच रहे हैं? हम 100 रुपए किलो बेच रहे हैं, 80-85 रुपए 90 रुपए पड़ता है ये। और पहले कितना था ये? पहले ये 50-40। अनार कितने का? अनार पहले 120 बेचते, 100 बेचते, अब 150-160 रुपए किलो। 150-160 रुपए पहुंच गया। सेब है 220 रुपए, वो अडानी का सेब है, 190-92 रुपए 95 रुपए पड़ता, हम 220 बेचते। कीवी है, संतरा है, उसको लेकर नारियल पानी है, तो थोड़ी सी ऊपर से महंगाई है जी। संतरा कितने का बेच रहे हैं? संतरा हम बेच रहे हैं 160 रुपए किलो। और पहले कितना था? पहले था 120 रुपए। और मौसमी का कितना रेट है? मौसमी पहले थी 80 रुपए किलो, अब 100 रुपए। अब 100 हो गई है। इसके अलावा जो कीवी है वो भी महंगा हो गया। कीवी बहुत महंगा हो गया। कैसे, कितना रेट था कीवी? पहले 40 रुपए का पीस बिकता था, अब 50 रुपए का। 50 रुपए का हो गया। तो ये क्योंकि लोग जो है ज्यादा खट्टी चीजें खा रहे हैं, तो इस वजह से रेट बढ़ गया। अनार के रेट भी बढ़े होंगे? अनार के भी। कितना हो गया अनार? अनार हुआ है जी 130 रुपए किलो, 140 रुपए। अब कितना कितना था पहले? पहले 80 रुपए किलो। फल विक्रेताओं का दावा है कि विटामिन सी वाले फलों की मांग अधिक है और आपूर्ति कम, इसीलिए दाम बढ़ रहे हैं और उन्हें भी फलों की खरीद के लिए ज्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं। अब सवाल है, ये ऊपर के लोग कौन हैं और क्या सब्जी और फलों के बढ़ते दाम पर लगाम लगाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती? जी मीडिया दिल्ली।